हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। राइट इन फॉलोअप के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप मौर्य और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 800 कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स किस तरीके से एक नर्स बन सकते हैं। अगर आपने ट्वेल्थ में आर्ट्स या फिर कॉमर्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स यानी PCM सब्जेक्ट लिया था या फिर आप PCM सब्जेक्ट से पढ़ाई कर रहे हैं और आगे चल के एक नर्स बनना चाहते हैं तो आप किस तरीके से बन सकते हैं, क्या प्रोसेस होगा, हर एक चीज़ आपको बताएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सही जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। देखिए दोस्तों, अगर आपने ट्वेल्थ में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश यानी कि PCB सब्जेक्ट आपने लिया है, इंग्लिश सब्जेक्ट आपने लिया है, तो आप चाहे BSc नर्सिंग का कोर्स है वो कर सकते हैं, NM कर सकते हैं, JNM नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम वहाँ पर आती है जब आपने आर्ट्स या फिर कॉमर्स या फिर अपने PCM या फिर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के साथ ट्वेल्थ पास किया है और आप एक नर्स बनना चाहते हैं। तो ऐसे में आपको कन्फ्यूज़न रहता है कि हम नर्स बन सकते हैं या फिर नहीं बन सकते हैं, तो सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, हम जो चीज़ें आपको बता रहे हैं, बातें बता रहे हैं, आप इनको ध्यान से देखते रहिए, सुनते रहिए। दोस्तों, अगर आप एक आर्ट्स या फिर कॉमर्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हैं या फिर एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट हैं और आप एक नर्स बनना चाहते हैं तो आपके लिए दो कोर्स हैं, आप वे कर सकते हैं। कौन कौन से कोर्स हैं? JNM नर्सिंग का कोर्स और NM नर्सिंग का कोर्स, और आगे चल करके आप बैचलर डिग्री कोर्स भी कर सकते हैं यानी कि BSc नर्सिंग भी कर सकते हैं नर्सिंग के फील्ड में। किस तरीके से कर सकते हैं, कौन सा कोर्स कर सकते हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे, बस आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। देखिए दोस्तों, JNM नर्सिंग का जो कोर्स है 3 साल 6 महीने का होता है, 3 ईयर्स का कोर्स होता है और 6 महीने का इंटर्नशिप होता है। इस तरीके से 3.5 साल में ये कोर्स कंप्लीट होता है और इस कोर्स को गर्ल्स एंड बॉयज़ यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मेन क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए, क्वालिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। 12th आपने अंग्रेजी सब्जेक्ट यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ पास किया है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। 12th में आपने चाहे आर्ट्स या फिर कॉमर्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लिया हो या फिर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिया हो, ध्यान रखना है कि 12th आपने कौन कौन से सब्जेक्ट लिए हैं। कोई भी सब्जेक्ट आपने लिए हैं लेकिन अंग्रेजी सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, 12th विद इंग्लिश। 12th आपने अंग्रेजी सब्जेक्ट के साथ किया है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, आपने पास किया है 12वीं की परीक्षा तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। अगर आपने NIO से किया है तब भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं, या फिर आपने NM नर्सिंग का कोर्स कर रखा है, आप रजिस्टर्ड NM हैं तभी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए कि आपने आर्ट्स कॉमर्स या फिर किसी अदर सब्जेक्ट से क्या है, कर सकते हैं या फिर नहीं। तो इसका जवाब है कर सकते हैं, बस जो आपके सब्जेक्ट हैं आर्ट्स कॉमर्स या फिर कोई अदर सब्जेक्ट, उनके साथ में इंग्लिश सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, आप JNM नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं और नर्स बन सकते हैं। अगर हम बात करें कि बैचलर डिग्री यानी कि अगर आप ग्रेजुएट होना चाहते हैं नर्सिंग में तो क्या कर सकते हैं, तो JNM नर्सिंग का जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आप पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के बारे में तो पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग एक 2 से 3 साल का नर्सिंग डिग्री कोर्स है। ध्यान रखिएगा, ये एक बैचलर डिग्री कोर्स है, मतलब कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, ग्रेजुएशन का डिग्री कोर्स है। अगर आप इसको कर लेंगे तो आप ग्रेजुएट कहलाएंगे नर्सिंग के फील्ड में और ग्रेजुएशन के लेवल पर जो भी फॉर्म होंगे, जो एग्ज़ाम्स हैं, जो जॉब्स हैं, आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरीके से BSc नर्सिंग एक नर्सिंग डिग्री कोर्स है, बैचलर डिग्री कोर्स, उसी तरीके से पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग भी डिग्री कोर्स है। तो JNM नर्सिंग करने के बाद आप पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं, ग्रेजुएट हो सकते हैं, और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग करने के बाद आप चाहें तो MSc नर्सिंग भी कर सकते हैं, यानी कि मास्टर डिग्री भी ले सकते हैं नर्सिंग के फील्ड में, आप चाहें तो और भी आगे पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का जो कोर्स है 2 से 3 साल का होता है। 2 से 3 साल का कब होता है, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आप इस कोर्स को रेगुलर मोड में करते हैं, मतलब रेगुलर करते हैं, तो 2 साल में कंप्लीट होगा। अगर आप इसको डिस्टेंस एजुकेशन के ज़रिए करते हैं तो 3 साल में ये कोर्स कंप्लीट होता है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों, अगर हम बात करें NM नर्सिंग कोर्स के बारे में तो ये भी एक नर्सिंग डिप्लोमा कोर्स है। इसका फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी। अगर हम बात करें JNM नर्सिंग के फुल फॉर्म के बारे में तो JNM का फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। दोस्तों, NM नर्सिंग का जो कोर्स है 2 साल का होता है। 12th आपने साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से किया है, अंग्रेजी सब्जेक्ट के साथ आपने 12th पास किया है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, 12th में आपके पास अंग्रेजी चाहे कोर सब्जेक्ट रहा हो या फिर इलेक्टिव रहा हो, लेकिन होना ज़रूरी है। ठीक है, तो 12th विद इंग्लिश आपने किया है, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने 12वीं की परीक्षा पास की तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, NM नर्सिंग का जो कोर्स है इसे केवल फीमेल कैंडिडेट्स कर सकते हैं, मतलब कि इसमें
ओनली गर्ल्स एडमिशन ले सकती हैं। एज लिमिट है 17 से 35 वर्ष, मतलब कि 17 to 35 years, 17 से 35 वर्ष के बीच में आपकी एज, तब आप इस कोर्स को कर सकते हैं। एडमिशन का जो प्रोसेस है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम और मेरिट के बेस पर होता है। कुछ कॉलेजेस में, अधिकतर कॉलेजेस में देखा जाता है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाता है, और कुछ कॉलेजेस मेरिट के बेस पर भी एडमिशन दे देते हैं 12th की मेरिट के बेस पर। अगर आप NM नर्सिंग का कोर्स कर लेते हैं और आप चाहते हैं कि हम आगे की पढ़ाई करें, मतलब कि हायर स्टडी करें, तो आप क्या कर सकते हैं, आप NM के बाद JNM कर सकते हैं, उसके बाद पोस्ट बीएससी बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, फिर MSc नर्सिंग कर सकते हैं। और वहीं अगर आपने JNM नर्सिंग का कोर्स स्टार्टिंग से किया, मतलब कि आपने 12th के बाद JNM किया है, तो आप डायरेक्ट पोस्ट बीएससी बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो इसके बारे में आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा या फिर आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आप JNM नर्सिंग कोर्स के बारे में आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं, मतलब कि आप ब्लॉग पढ़ना चाहते हैं, तो आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा JNM नर्सिंग क्या होता है, राइट इन्फो क्लब। जब आप इतना सर्च करेंगे तब आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी JNM नर्सिंग के बारे में। इसके अलावा NM नर्सिंग के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप सर्च कर लीजिएगा NM नर्सिंग क्या होता है, राइट इन्फो क्लब। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप YouTube पर सर्च कर लीजिएगा JNM नर्सिंग NM नर्सिंग राइट इन्फो क्लब, वीडियो आ जाएगा, पूरी जानकारी आपको उन वीडियोज में देखने को मिल जाएगी। मुझे उम्मीद है कि इन चीज़ों को देखने के बाद, समझने के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें नर्स बनने के लिए क्या करना होगा, किस तरीके से हम एक नर्स बन सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इन चीज़ों को आप बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे और हम इन चीज़ों को आपको सरल भाषा में, सरल शब्दों में बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे इस वीडियो को देखने के बाद उनको भी कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, आर्ट्स कॉमर्स स्टूडेंट्स नर्स बन सकते हैं या फिर नहीं इस चीज़ से संबंधित। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में आपके लिए इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल कॉन्टेंट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।